स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टिप्स पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखूबी रख रहे होंगे। आज है 3 जून 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जिसका की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे होगा। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया गया, तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। ठीक है, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। और इस बार 3 जून 2021 को जो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया ये इसका चौथा संस्करण है। ठीक है, चौथा संस्करण है, फोर्थ एडिशन है। और बात करते हैं कि ये जो विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन ही 3 जून 2018 को यूएन के जनरल असेंबली में फर्स्ट बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व किया गया था। उस दिन से 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जा रहा है और ये इसका चौथा संस्करण है जो कि आज मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या रहा है, उसका थीम रहा है यूनिकनेस वर्सेटिलिटी लॉन्गेटिविटी ऑफ द बाईसाइकिल एंड सिंपल सस्टेनेबल अफोर्डेबल रिलायबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जितना याद नहीं रखना है आपको, कुछ की पॉइंट्स को याद रख लेना है जिससे कि आपको इसका थीम याद रहे। ठीक है, थीम बहुत जरूरी होता है, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अगर बात करते हैं 1 जून को कौन सा डे मनाया गया, तो 1 जून को मनाया गया था ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसका थीम क्या रहा था मैंने वीडियो में चर्चा किया था। और 1 जून को ही मनाया गया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जिसका नाम है वर्ल्ड मिल्क डे। आपको सारे डेज को याद रखने हैं, मैं अपने वीडियोज में डेज से रिलेटेड सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मैं आपको रिवीजन करवाता हूं। 29 मई को कौन सा डे मनाया गया था, माउंट एवरेस्ट डे। और मनाया गया था इसी दिन वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को मनाया गया था। 24 मई को कौन सा डे मनाया गया था, कॉमनवेल्थ डे। तो ये हो गया डे से रिलेटेड फैक्ट और ये पहला क्वेश्चन था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड एनटीडी डे यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो दोस्तों वर्ल्ड एनटीडी डे जो है ये मनाए जाने की घोषणा 30 जनवरी को किया गया है। 30 जनवरी को अब से वर्ल्ड एनटीडी डे मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एनटीडी डे यानी कि वर्ल्ड नेशनल ट्रॉपिक WHO के द्वारा इस डे को मनाए जाने की घोषणा की गई है। और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो हेड है जो अभी वो है टेड्रोस अधानम। तो याद रखना है आपको वर्ल्ड एनटीडी डे को अब से 30 जनवरी को मनाया जाएगा। वहीं बात करते हैं 2 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो आपको डेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में, तो आपको उसे याद रखना है। 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ठीक है, ट्यूना डे आपको याद रखना है। फिर 1 जून को कौन सा डे मनाया गया जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ठीक है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे आपको याद रहेगा। अब जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, TM कल्याणन जिनका निधन हो गया वे कौन थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि TM कल्याणन जिनका भी निधन हो गया है वो कौन थे, तो ये थे पॉलिटिशियन थे। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो ये फर्स्ट मतलब ये जो संविधान सभा था, जिस समय संविधान बना था उस समय जो संविधान सभा के ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर बचे थे अभी इंडिया में, ठीक है, ये 101 वर्ष के थे और इनका निधन हो गया है। ठीक है, 101 वर्ष के थे TM कल्याणन साहब और इनका निधन हो गया है। और ये लास्ट सर्वाइविंग मतलब ये जो संविधान सभा था उनके सारे मेंबर का डेथ हो चुका है और ये लास्ट बचे थे और इनका भी डेथ अभी हो गया। ठीक है, 28 मई को इनका डेथ हुआ है। तो ये 101 वर्ष के थे और ये एक पॉलिटिशियन थे। बात करते हैं देखिए यहाँ पर कि प्रोविजनल पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट उस समय बना था 1950-1952 में, ठीक है, 1950-1952 में
जो पार्लियामेंट बना था, ऐसे ही जो पार्लियामेंट बना था संविधान सभा के द्वारा, तो उसका भी ये मेंबर रहे थे, उसके भी ये मेंबर रहे थे। फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट असेंबली हुआ था, ठीक है, पहला जो संसद बना था तमिलनाडु में, ठीक है, जो कि पहले मद्रास के रूप में जाना जाता था, ठीक है, तमिलनाडु में जो पहले मद्रास के रूप में जाना जाता था, उसका जो क्या बोलते हैं कि तमिलनाडु का जो कैपिटल था जो मद्रास के रूप में जाना जाता था, अभी चेन्नई है, तो उसका भी ये क्या थे, फर्स्ट असेंबली में सर्वाइविंग मेंबर ये बचे थे, ठीक है। उसके बाद ये एक एमएलए थे, कहाँ से, 1957 में एमएलए बने थे रसीपुरम से, 1962 में एमएलए बने थे, और ये एमएलए भी रह चुके हैं, और ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीएम कल्याणन साहब, आपसे पूछा जाएगा पीएम कल्याणन साहब क्या थे, तो आपको बताना है ये एक पॉलिटिशियन थे, और आपसे और अगर पूछा जाए तो ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के, ठीक है, जो बना था संविधान सभा, ठीक है, उसके लास्ट कंस्टिट्यूएंट मेंबर थे। अब चलते हैं कि एमबी टैग भारत का पहला टेम्परेचर डेटा लॉगर है, ठीक है, एमबी टैग एक टेम्परेचर डेटा लॉगर है, और इसको बनाया है किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों इसको बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा, किसके द्वारा, आईआईटी रोपड़ के द्वारा, जो कि पंजाब में है, इसके द्वारा ये एमबी टैग को बनाया गया है। इसका शेप देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एमबी टैग यूएसबी के फॉर्मेट में, यूएसबी, और बात करते हैं यूएसबी की, तो आपसे कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यूएसबी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, आपको इसे भी याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस के रूप में, मतलब शेप इसका दिया गया है यूएसबी के फॉर्मेट में, मतलब कि आप इसमें डेटा को क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर वाले डेटा को इसमें सेव कर सकते हैं, और किसी लैपटॉप में डालकर उस डेटा को सेव करके देख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर ये क्या करेगा, ये जो टेम्परेचर एमबी टैग क्या है, टेम्परेचर डेटा लॉगर है, तो ये क्या करेगा कि जो ऑर्गेन्स है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड ऑर्गेन्स और कुछ मीट वगैरह जो होता है ना, उसके टेम्परेचर को ये मेजर करेगा कि ये अभी सही है या नहीं, मतलब जैसे कि कहीं इसको अगर ट्रांसपोर्ट करा जाता है, ठीक है, किसी वैक्सीन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो टेम्परेचर के कारण क्या ये खराब हो चुका है या फिर ये सही है, तो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है, तो उस डिवाइस को भारत में, वो डिवाइस नहीं था वो यूज करता था, वो भारत का नहीं था, तो भारत का पहला ये डिवाइस जो बना है ये एमबी टैग बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। जो और डिवाइस जो अभी तक यूज होते जा आ रहे हैं वो क्या होते थे, उसका जो चार्जिंग कैपेसिटी था 30 से 60 दिन तक का था, मतलब एक बार चार्ज करेंगे आप तो वो 30 से 60 दिन तक चलेगा, लेकिन अभी जो आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया एमबी टैग, इसका चार्जिंग कैपेसिटी 90 डेज तक है, ठीक है, आप 90 दिन तक इसको चार्ज करके रख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, और इसका जो रेंज है ये -40 से +80 डिग्री टेम्परेचर रेंज तक को ये मेजर कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। बात करते हैं ये जो डिवाइस बनाया गया है एमबी टैग, इसको किसके, मतलब किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है, किस प्रोजेक्ट, किसने इसे स्पॉन्सर किया है, तो दोस्तों ये एक इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अवध, ठीक है, अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसके अंडर में इसको बनाया गया है एमबी टैग को, तो आपको इसे याद रखना है, एमबी टैग आईआईटी रोपड़, ये याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभी 91 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक किन्हें जीता है, ये दूसरा स्वर्ण पदक है इंडिया का, और फर्स्ट गोल्ड मेडल किनको मिला था, तो संजीत कुमार ने दूसरा गोल्ड मेडल अभी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 91 केजी वर्ग के कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो पहला किन्होंने जीता था, तो पहला जीता था पूजा रानी ने, और ये 75 केजी कैटेगरी में जीती थी, ठीक है, पहला जीता था पूजा रानी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, अभी अभी जो हो रहा है, और एमसी मेरी कॉम जो है ये सिल्वर मेडल ही जीत पाई, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, इस बार इन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा, और ये वैसिली लेविट कौन है, तो संजीत कुमार ने इन्हीं को वैसिली लेविट को हराया, ये कजाकिस्तान के थे, ठीक है, कजाकिस्तान के हैं और इनको हराया है, ये जो वैसिली लेविट है इनको अभी रियो ओलंपिक में
सिल्वर मेडल इन्हें मिला था, तो इनको हराया है संजीत कुमार ने और गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ये दूसरा है और पहला जीता था पूजा रानी ने, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मुडीज के अनुसार फिस्कल ईयर 2021-22, ठीक है, 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी में कितनी वृद्धि देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों मुडीज ने बताया है कि इसमें देखने को मिल सकती है वृद्धि 9.3%, ठीक है, 9.3% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, ठीक है, 2021-22 फिस्कल ईयर में, 2021-22 फिस्कल ईयर में मुडीज के ने बताया है। मुडीज क्या है, एक इन्वेस्टर कंपनी है, ठीक है, एक इन्वेस्टर कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुडीज का कहाँ है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट में। और बात करते हैं कि इसके अभी सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल, ठीक है, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल, ठीक है, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल, तो आपको याद रखना है मुडीज के सीईओ के बारे में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। और अगर इसी के मुडीज ने ही 2022-23 फिस्कल ईयर के भी प्रोजेक्शन किया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, और वो बताया है कि वो 7.9% रहने वाली है, 7.9% रहने वाली, यानी कि कम, जो कोविड महामारी के कारण पूरा देश पूरा विश्व जो जूझ रहा है, जो उसके कारण जो जूझ रहा है, तो उसके कारण ये इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी संस्थान है जो कि प्रेडिक्शन करती है जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ को प्रेडिक्शन करती है, वो सारे के सारे अपने प्रेडिक्शंस में क्या कर रहे हैं, फेरबदल कर रहे हैं, कभी ज्यादा बता रहे थे तो कभी अब क्या कर रहे हैं, उसमें संशोधन करके कम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकेंड वेव आया है ये कोरोना का, इसके कारण हमारे इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और अभी कह रहा है कि थर्ड वेव भी आएगा, तो दोस्तों बहुत ही अभी सिचुएशन वर्स्ट चल रहा है, तो चलिए क्या कर सकते हैं, है ना। और 7.9% ही किसने बताया है, तो एसबीआई ने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जीडीपी का फिस्कल ईयर 21-22 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना बताया है, तो इसने बताया है 7.9%। अभी इसने ही ये बताया था, मार्च में बताया था 10.4% रहने वाला है, लेकिन फिर इसने संशोधन किया और बताया कि नहीं, 10.4% नहीं रहेगा, 7.9% रहेगा, और ये जो COVID-19 महामारी का को देखते हुए ये इस जीडीपी ग्रोथ को घटा दिया। तो आपको याद रखना है एसबीआई ने 7.9% बताया है 2021-22 को लेकर, ठीक है, 2021-22 को लेकर बताया है। बात करते हैं एसबीआई के, तो इसके चेयरमैन कौन है, अभी इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, ठीक है, और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9.9% 10%, तो ओईसीडी एक संस्था है, ओईसीडी ये भी क्या करती है, जीडीपी इकोनॉमी ग्रोथ को प्रेडिक्शन करती है, तो ये ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ओईसीडी। तो इसका जो ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका जो हेडक्वार्टर है ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में ओईसीडी का हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। आपको अगर सन याद रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, और इसका स्थापना हुआ था 30 सितंबर 1961 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में ओईसीडी का, और इसने बताया है फिस्कल ईयर 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 9.9% रहने वाला है। तो आपको याद रखना है ओईसीडी के द्वारा 9.9%, 7.9%, एसबीआई के द्वारा 9.3%, मुडीज के द्वारा। और 2022-23 में मुडीज ने बताया है 7.9%। मुडीज के बारे में हमने बात कर लिया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईबीएफ यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है विक्रमजीत सेन, जो कि अभी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और इन्हें आईबीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रमजीत सेन को। विक्रमजीत सेन को आईबीएफ के अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया गया है और ये भी चीफ जस्टिस कर्नाटक हाई कोर्ट के भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी चेयरमैन हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी चेयरमैन हैं जिन्हें कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये नीरज बजाज के हैं, तो बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं, नीरज और बजाज बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं। टी रविशंकर देखिए जो आरबीआई में एक गवर्नर जिसका गवर्नर है आरबीआई का शक्तिकांत दास और चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, कल के वीडियो में मैंने चारों गवर्नर के बारे में आपको बताया था, लेकिन ये जो टी रविशंकर है अभी हाल ही में मतलब अभी अभी इन्हें टी रविशंकर को फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था टी रविशंकर साहब को, याद रखना है। एमके स्टालिन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसे अभी 23वां ये अभी 23वां सीएम बने हैं, 23वां सीएम बने हैं तमिलनाडु के, आपसे नंबर भी पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु के 23वें नंबर के सीएम बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, मैग्मा फिनकॉर्प, ठीक है, मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। दोस्तों ये एक कंपनी है मैग्मा फिनकॉर्प, एक तरह से फिनांस कंपनी है और इसका अध्यक्ष अभी आधार पूनावाला को बनाया गया है, आधार पूनावाला SII के भी चेयरमैन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन है SII के, जो कि जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, ठीक है। आधार पूनावाला SII के क्या है, चेयरमैन भी है। और ये आधार पूनावाला किनके बेटे हैं, तो साइरस एस पूनावाला जो कि SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, ठीक है, साइरस एस पूनावाला। बात करते हैं अजय भुटाडा कौन है, तो अजय भुटाडा को, ये तो आधार पूनावाला को चेयरमैन बनाया मैग्मा फिनकॉर्प के, लेकिन अजय भुटाडा इसके MD बने हैं मैग्मा फिनकॉर्प के। विजय देसवाल बने हैं इनके CEO, ठीक है, इनके CEO मैग्मा फिनकॉर्प के CEO बने हैं। यहाँ पर अरुण कुमार सिंह का नाम आता है, तो अरुण कुमार सिंह जो BPCL, ठीक है, BPCL के CMD हैं, अभी BPCL के CMD। आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है, इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं जितने भी, तो उसमें जितने फैक्ट्स होते हैं उससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। आप केवल रिवीजन कर लें, वीडियोस को पूरा देख लें जिससे कि आप किसी भी जब करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू ना रहे। अगला क्वेश्चन है, WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में पाए गए जो COVID-19 में इसके सबसे पहले वेरिएंट का नाम क्या रखा गया है। तो भारत में अभी अभी एक वेरिएंट पाया गया था B1617 और B1617, ठीक है। ये जो वेरिएंट पाया गया था बहुत ही कहा गया, ये बहुत ही मतलब डेंजरस वेरिएंट है COVID-19 का, ये पाया गया है और इस तरह से इसका नाम लेने में B1617, B1612, तो नाम लेने में क्या होता था, जो डिस्कशन होता था इसमें थोड़ा सा कठिनाई होता था, जिस कारण से इस WHO के द्वारा इस वेरिएंट का नाम B1611 का नाम रख दिया कप्पा, ठीक है, कप्पा नाम रख दिया और B1612 का नाम रख दिया गया है डेल्टा। इसे आपको याद रखना है कि जो COVID-19 का वेरिएंट है B1617.2 इसका नाम रख दिया डेल्टा और कप्पा। ये जो यास है यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यास एक चक्रवाती तूफान था, तौक्ते एक चक्रवाती तूफान था और निसर्ग एक चक्रवाती तूफान है, ठीक है। यास का नामकरण किसने किया है, अभी अभी आया था यास, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। यास का नामकरण ओमान ने किया था। यास का मतलब क्या होता है, जैस्मीन, यास का मतलब होता है जैस्मीन, आपको इसे याद रखना है। उसके बाद ताउते का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था, म्यांमार के द्वारा, और ताउते का मतलब क्या होता है, एक छिपकली होती है उसके नाम पर ताउते रखा गया है। निसर्ग का नाम किसने दिया है ये आपको बताना है। अगर बात करते हैं WHO की, तो WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका फाउंडेशन मतलब कि ये इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किन्होंने किया, अभी बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया जो कि मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर यानी कि कृषि और किसान वेलफेयर के, ये मिनिस्टर हैं, ये ग्रामीण विकास के भी मिनिस्टर हैं, पंचायती राज के मिनिस्टर हैं,
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, इनके द्वारा ही बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का इनके द्वारा शुभारंभ किया गया। ये जो श्री डीवी सदानंद गौड़ा है, ये भी कौन से कैबिनेट के मिनिस्टर हैं? डीवी सदानंद गौड़ा जो हैं, ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर के मिनिस्टर हैं, ठीक है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। बात करते हैं थावरचंद गहलोत की, तो थावरचंद गहलोत ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करते हैं तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है स्टील का, ठीक है, स्टील इस्पात मिनिस्टर भी हैं ये, ठीक है, स्टील मिनिस्टर भी हैं। तो आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है, कैबिनेट मिनिस्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन है NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो अध्यक्ष हेड अभी किसे बनाया गया है, तो ये जो है इसका हेड बनाया गया है AK मिश्रा को, ठीक है। AK मिश्रा एक जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जज थे, तो इनको बनाया गया है NHRC का अभी हेड बनाया गया है। और NHRC का जो संस्थापना हुआ था, ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। अगर कोई चीज करेंट में आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए चिंतन वैष्णव अभी अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर हैं। एस रमन कौन है, तो एस रमन सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंकिंग का जो चेयरमैन है, CMD है, ये एस रमन है, ठीक है, एस रमन है सिडबी के। और सुभाष कुमार कौन है, तो सुभाष कुमार ONGC के डायरेक्टर है। तो ये रहा दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसके इंफॉर्मेशन अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और इस पर कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में अगले करेंट अफेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेंट अफेयर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के साथ आपके लिए। हमारे चैनल पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही हाई एडवांस क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में नए